आज की स्पेशल रिपोर्ट में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। सोशल मीडिया पर आप अक्सर ऐसे कई वीडियो देखते होंगे जहाँ आपको ये पढ़ने मिलता होगा कि इस इलाके में हिंसा हुई, उस इलाके में अमानवीय कृत्य हुआ। हालांकि संबंधित मसले पर पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया है, ये भी आप अक्सर पढ़ते होंगे। पर क्या हो अगर खुद पुलिस ही आरोपी हो? इसी कड़ी को जोड़ता हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस बहरहमी से वृद्धों को, महिलाओं के हाथों को बांधा गया है। वायरल संदेश में इस वीडियो को बिहार का बताया जा रहा है, जहां पुलिस द्वारा संबंधित बंधकों पर ये आरोप है कि वे अवैध रेत खनन कर रहे थे। वायरल वीडियो संदेश में ये भी कहा गया है कि संबंधित महिला और वृद्धजनों को पुलिस ने डंडे से पीटा, क्योंकि इन लोगों ने अवैध रेत तस्करी कर रहे कुछ लोगों का विरोध किया था, जिसका फल उन्हें कुछ इस प्रकार मिला। हम वीडियो से जुड़ा कोई भी दावा नहीं करते, लेकिन अगर ये सच है तो इसमें जरा सा भी तथ्य है तो फिर यही कहना होगा कि बिहार की पुलिस पुलिस नहीं तो रेत माफियों की पैरोकार है और आरोपियों की ओर से किए जा रहे भ्रष्टाचार में हिस्सेदार है।